भोपाल में आज वाटर विजन एट द रेट 2047 कॉन्फ्रेंस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़े और कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते हुए पीएम ने अपनी पानी बचाने पर बात की और उन्होंने इंडस्ट्री और खेती दोनों सेक्टर्स में हमें पानी बचाने के लिए जागरूक करने की ज़रूरत है कहा और ग्राम पंचायतों में भी पानी को ध्यान में रखकर अगले 5 साल के लिए प्लान तैयार करने को कहा। कार्यक्रम के दौरान पीएम ने कहा कि हमारी संवैधानिक व्यवस्था में पानी का विषय राज्यों के नियंत्रण में आता है। जल संरक्षण के लिए राज्यों के प्रयास और देश के सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत सहायक होंगे और जल संरक्षण से जुड़े अभियानों में जनता को, सामाजिक संगठनों को, सिविल सोसाइटियों को भी ज़्यादा से ज़्यादा साथ लेना होगा। जब किसी अभियान से जनता जुड़ी रहती है तो उससे कार्य की गंभीरता भी पता चलती है। इससे जनता में किसी योजना या अभियान के प्रति सेंस ऑफ ऑनरशिप आती है और सेंस ऑफ ऑनरशिप सफलता की कुंजी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम मोदी के रूप में हमें विजनरी लीडर मिले हैं और वो कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी हैं। वो खुद संकल्प लेते हैं और खुद को ही नहीं झोंकते, हम सबको भी झोंकने की कोशिश करते हैं। जिन विषयों पर कभी विचार नहीं होता था आज उन पर विचार हो रहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत पानी के क्षेत्र में 16,000 करोड़ का निवेश कर रहा है। इसलिए जल संरक्षण से जुड़े अभियानों में जनता जनार्दन को, सामाजिक संगठनों को, सिविल सोसाइटी को भी ज्यादा से ज्यादा हमें जोड़ना होगा, साथ लेना होगा। जन भागीदारी का एक और पक्ष है और जी उसे भी समझना बहुत जरूरी है। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई जन भागीदारी यानी लोगों पर ही सारी जिम्मेदारी थोप देना, जन भागीदारी को बढ़ावा देने से सरकार की जिम्मेदारी कम हो जाती है। हकीकत ऐसी नहीं है। कितने बांध है, कितने अलग अलग तरह की जल संरचना है, कुल कितना पानी है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण ही आज हम केवल आज का नहीं, आने वाले 25 और 50 साल बाद की क्या स्थिति बनेगी, उसकी व्यवस्थाएं हम कैसे करेंगे, उस पर विचार कर रहे हैं। लेकिन यह सम्मेलन भोपाल में हो रहा है और भोपाल जल प्रबंधन का उत्तम उदाहरण है। हमारे यहां कहावत है, ताल तो भोपाल ताल और सब तलैया। इसमें एक और चीज जुड़ती थी, रानी तो कमलापति और सब रनैया।